हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है और पहला सीरीज में हम पहला वीडियो में 29 जनवरी 2018 का इवनिंग का सेशन कराए थे, मॉर्निंग का। जो जो एग्जाम हो गया है उसका प्रीवियस ईयर का सारा जीके आप लोग के सामने रखेंगे। और ये जब जीके आप करते हैं ना, तो आपको हर एग्जाम में आपको फायदा होगा। बस आप शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करिएगा तो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का दूसरा सीरीज। 29 जनवरी 2018 को मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था। 50 क्वेश्चन का सीरीज है। आप इसको 2 के स्पीड में करके अच्छे तरीके से देखिए, काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कॉल्ड अ बैंकर्स चेक। इस ऑप्शन में से किसको बैंकर्स चेक बोला जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीडी। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ना, डीडी का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है। डिमांड ड्राफ्ट को हम लोग बैंकर्स चेक भी बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट कैन बी ट्रीटेड एज ए बैंकर्स चेक। द ओनली डिफरेंस इज दैट जो इट इज नेगोशिएबल एंड बैंकर्स चेक इज नॉन नेगोशिएबल। ये आपका नेगोशिएबल होता है और बैंकर्स चेक जो होता है वो नेगोशिएबल नहीं होता है। बस ये डिफरेंस है। बाकी बैंकर्स चेक को डीडी बोला जाता है, डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफडी फिक्स डिपोजिट, और आरडी जो होता है आपका रिकरिंग डिपोजिट होता है। इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले आप इसका याद रखिएगा। बैंकर्स चेक किसको बोला जाता है, तो डीडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम सारे किसी एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। द प्लेसेस वेयर बैंकर्स मीट, मतलब ऐसा जगह जहां पे बैंकर जो है मिलते हैं, सेटल करते हैं, देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट इज नोन एज, तो ये हो जाएगा क्लियरिंग हाउस, ठीक है। क्लियरिंग हाउस एक ऐसा प्लेस है जहां पे बैंकर जो है वो मिलते हैं और अपना म्यूचुअल क्लेम, जो भी क्लेम होता है, उसको सेटल करते हैं। तो ये आपका क्लियरिंग हाउस हो जाएगा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी। इसमें से आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी क्या है, मतलब कोई गवर्नमेंट जो अपना रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, जो गवर्नमेंट को इनकम होता है, जहां से पैसा मिलता है, जहां खर्च होता है, ये सारे चीजों के जो है ना, इसके लिए एक पॉलिसी बनाया जाता है। ये कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी का हम लोग यूज करते हैं गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन में, एक्सपेंडिचर में, टू इन्फ्लुएंस कंट्री इकोनॉमी, याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे याद रखिएगा, एफ फॉर फिस्कल, एफ फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। जीरो बैलेंस बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम विच ईयर। जो जीरो बेस बजटिंग है इंडिया में, ये सबसे पहले कब लाया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो 1987 में हो जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग जो JBB है, ये आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1987 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन इकोनॉमिक टर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट कम्युनिटी। इसमें से कौन सा, इकोनॉमिक टर्म में इसमें से कौन फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट कम्युनिटी को पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन इकोनॉमिक टर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ए प्रोडक्ट कम्युनिटी, तो इसका प्राइस ऑफ कम्युनिटी भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो फैक्टर है ना, प्राइस ऑफ कम्युनिटी हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर। इसमें से कौन जो है कभी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं, इसमें से कौन जो है, तो चंद्रशेखर जो है ना, ये आपके 8वां प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो चंद्रशेखर हैं, ये आपके 8वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये कभी भी स्पीकर नहीं रहे हैं लोकसभा के। तो ये आपका 8th प्राइम मिनिस्टर है, 8th पीएम है, 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये आपका कभी नहीं रहा, चंद्रशेखर, याद रखिएगा। ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट। किसके एडवाइस पे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो स्टेट गवर्नर, जो राज्य के राज्यपाल हैं, स्टेट गवर्नर हैं, उनको नियुक्त करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस पे। तो याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस पे ही ये काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है, ये किस कंट्री से ओरिजिनेट होता है। द कंसेप्ट ऑफ PIL, इसका शॉर्ट में बोलिएगा, PIL जो है USA में हो जाएगा, USA में
ओरिजिनेटेड इन यूएसए, इंडियन पीएल जो है वो इंप्रूव्ड वर्जन है यूएसए पीएल का, यूएसए पीएल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, इसमें से कौन डिसाइड करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बिल जो पास हो रहा है वो मनी बिल है कि नहीं है। ऑब्वियस है कि इसको लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे, क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। तो लोकसभा के पास ऐसा पावर होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि जो बिल होगा मनी बिल होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इसमें से किस में, इसमें से कौन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा को भेजता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। ये तो ऑब्वियस है उत्तर प्रदेश जो है आपका जो है 31 सीट जो है ना, 31 नंबर ऑफ जो मेंबर है वो राज्यसभा को भेजता है। तो लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश का 80 है, ठीक है। तो राज्यसभा कितना है 31 है, और लोकसभा कितना है, लोकसभा का है आपका याद रखिएगा 80 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदेला किंग आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल, जो चंदेला किंग्स है वो किस टेम्पल से रिलेटेड है, तो आपका खजुराहो का टेम्पल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ लैंग्वेज डिड मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटेन, इसमें से किस बुद्धिस्ट पास बहुत सारा जो लैंग्वेज है वो लिखा गया है, तो पाली हो जाएगा। देखिए पाली जो है मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटेन इन पाली लैंग्वेज, वाइल जैन टेक्स्ट आर रिटेन इन प्रकृत लैंग्वेज। प्रकृत किसमें, जैन जो है ना, जैन जैन धर्म जो होता है, तो जैन जो है वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ, और हिंदू का तो जान ही रहे कि आप संस्कृत हो जाएगा, हिंदू का ये संस्कृत हो जाएगा, याद रखिएगा ये प्रकृत आपका जैन हो जाएगा, पाली बुद्धिस्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पद्मावत, पद्मावत का किसने लिखा था, ठीक है। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा पद्मावत लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया। तुलसीदास जी क्या लिखे हैं, तो रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास लिखे हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। सूरदास जी क्या लिखे हैं, सूरदास जी सुर सागर लिखे हैं, सुर सरावली लिखे हैं, तो सुर सागर हो जाएगा, सुर सागर हो जाएगा, सुर सरावली हो जाएगा, सरावली हो जाएगा। कबीरदास क्या लिखे हैं, कबीर पंथ लिखे हैं, कबीरदास क्या लिखे हैं, कबीर पंथ लिखे हैं, कबीर पंथ, तो ये अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन ICS, इसमें से कौन से इंडियन जो है वो सेलेक्ट हुए हैं ICS में, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसका याद रखिएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ये आपका ICS में सेलेक्ट हुए हैं, ICS में, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर कब हुए थे, 1983 में, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो है सेलेक्टेड एज ए सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हु एस्टेब्लिश द आत्मसभा, आत्मसभा ए प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल, ठीक है, किसने लिखा था आत्मसभा, किसने लिखा था, तो आपके राजा राम मोहन राय, आत्मसभा राजा राम मोहन राय, आत्मसभा पंडित भाई राजा राम मोहन राय, कितना ईस्वी में, 1816 में, याद रखिएगा 1816 में राजा राम मोहन राय, और दयानंद सरस्वती जो है वो आपके आर्य समाज के संस्थापक है, दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ठीक है। आत्मसभा आपके राजा राम मोहन राय, आर्य समाज जो है सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश यादव, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखे हैं, स्वामी विवेकानंद आपके इंडियन फिलोसोफर है वेदांता के, ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा। रामकृष्ण, रामकृष्ण मैथ जो रामकृष्ण मिशन है वो सब किए थे, और अरबिंदो जो है वो आपका श्री अरबिंदो आश्रम इन अरुवली, उस वो वहां पे उसको खोजे थे, तो ये आप इसका आंसर याद रखिएगा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ठीक है। आर्य समाज सदानंद सरस्वती। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पिक लोकेटेड, गुरु शिखर पिक कहाँ पे लोकेटेड है, तो राजस्थान में, राजस्थान में गुरु शिखर पिक लोकेटेड है, याद रखिएगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम इसको बोलते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा होता है, ठीक है, एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम मकर रेखा होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम किससे पास कर रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम ऑस्ट्रेलिया से भी हो जाएगा, चिली से भी हो जाएगा, और आपका ब्राजील से भी हो जाएगा। किस किस से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉम पास करता है, तो चिल हो जाएगा, चिली हो जाएगा, इसके बाद अर्जेंटीना हो जाएगा,
हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, इसके बाद पारागिव हो जाएगा, इसके बाद ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील नामीबिया के, नामीबिया से ही पास करता है, नामीबिया से ही पास करता है, बोत्सवाना से ही पास होता है, बोत्सवाना से ही पास होता है, बोत्सवाना से भी पास होता है, साउथ अफ्रीका से भी पास होता है, साउथ अफ्रीका से भी पास होता है, याद रखिएगा, और मोजाम्बिक से ही पास होता है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से ही पास होता है, इसके बाद मेडागास्कर से ही पास होता है, मेडागास्कर से भी पास होता है, ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, ठीक है, एंड एंड फ्यू ऑफ द पैसिफिक आइसलैंड नेशन उससे भी पास होता है। तो इसका ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया पोसेसेस द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व, अप्रोक्सीमेटली 30%, 30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का 30% यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है। 19 का देखते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और गेरोस्पा वाटरफॉल, जोग और गेरोस्पा वाटरफॉल इसका नया नाम क्या है? ठीक है, तो नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी वाटरफॉल है, महात्मा गांधी वाटरफॉल सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल जो है ये आपका सेकेंड है, ये सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट है, और ये महात्मा गांधी वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ, देखिए ठंडा के दिन में भी, विंटर सीजन में भी रिवर्स हो जाता है, जो हवा होता है रिवर्स हो जाता है, और यहाँ पे ठंडा के दिन में भी होता है, तो तमिलनाडु, विंटर सीजन में भी यहाँ पे बारिश होता है, तमिलनाडु रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट पास्ड ए बिल अवार्डिंग डेथ पेनल्टी टू दोज फाउंड गिल्टी ऑफ रेपिंग माइनर्स इन दिसंबर 2017, रेपिंग, रेप के लिए डेथ पेनल्टी, डेथ के लिए पास हुआ है बिल, यह आपका एमपी में, मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द बिल अवार्डिंग डेथ पेनल्टी टू दोज फाउंडेड गिल्टी ऑफ रेपिंग माइनर्स। ठीक है, रैपिंग जो भी रैप करेगा, ठीक है, तो समझ ही रहे हैं, तो ये आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप, यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड, यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड ए स्कीम फॉर सेटिंग अप हाउ मेनी स्पेशल कोर्ट टू फास्ट ट्रैक क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट टेंटेड एमपी और एमएलए लीडर्स। जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है एक स्कीम फ्रेम किया है फॉर सेटिंग अप हाउ मेनी स्पेशल कोर्ट टू फास्ट ट्रैक क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट टेंटेड एमपी और एमएलए लीडर्स, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12, 12 स्पेशल कोर्ट हैज बीन सेट अप टू कंटेस्ट क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट टेंटेड एमपी और एमएलए में, क्या जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहा है उसके लिए स्पेशल 12 का कोर्ट जो है वो सेटअप हुआ है। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इंडियाज मानसी छिल्लर, इंडिया के जो मानसी छिल्लर है, ये वॉन द कन्वेटेड मिस वर्ल्ड 2017 क्राउन, वेयर वाज इट इज हेल्ड, ये कहाँ पे हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2017 मानसी छिल्लर जो है वॉन द टाइटल इन द इवेंट ऑर्गेनाइज एट द सामने सिटी। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं 24 नंबर में, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड ए वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन द ईयर 2017, पहला कंट्री जो है ये वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट को पहला बार 2017 में होस्ट किया था, ये आपका सऊदी अरबिया है। ठीक है, 24 इसका का डी हो जाएगा सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया होस्टेड द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017, इंडिया वॉन द फर्स्ट इवर साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप, इंडिया डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टीम, तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हैज ऑन द फर्स्ट इवर साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग नेपाल को हरा के जीता था। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट, नॉन स्टॉप इंडिया इज रिटेन बाय, नॉन स्टॉप इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो नॉन स्टॉप इंडिया जो है ये मार्क टुल्ली के द्वारा लिखा गया है, मार्क टुल्ली के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, मार्क टुल्ली, नॉन स्टॉप इंडिया, मार्क टुल्ली। विच अमोंग विच म्यूजिकल आर्टिस्ट, देखिए ये याद रखिएगा, नॉन स्टॉप इंडिया मतलब रुक नहीं रहा है, मतलब टुल हो गया है, पी के टुल हो गया है, रुक नहीं रहा है, मार्क टुल्ली, ऐसे याद रखने के लिए है जोक सपाट। ठीक है, तो ये याद रखे, याद रखने के लिए सिर्फ हम बोल रहे हैं। विच म्यूजिकल आर्टिस्ट ऑन द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन अक्टूबर 2017, इसमें से कौन सा म्यूजिकल आर्टिस्ट है जो कि इंदिरा गांधी अवार्ड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अक्टूबर 2017 में जीते हैं? तो टी एम कृष्णा हो जाएगा। ठीक है,
फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री फ्रॉम 31 अगस्त टू 9 सितंबर 2017। तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, ये उतना नहीं पूछेगा, 2017 का करंट है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड इसराइल, इंडिया एंड इसराइल के बीच में कौन सा एग्रीमेंट जुलाई 2017 में साइन हुआ है? तो एमयू साइन हुआ है ऑन स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म इन इंडिया, स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म इन इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश जो है विल बी द फर्स्ट मेजर पार्टनर, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट मेजर पार्टनर बने हैं इसमें, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following operation was launched by Indian government? Which of the following operation was launched by Indian government to help Rohingya refugee in the Bangladesh? इसमें से कौन जो है, इसमें से कौन सा ऑपरेशन जो है लॉन्च हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रोहिंग्या जो रिफ्यूजी थे ना बांग्लादेश में, उनको, उनके लिए हुआ था हेल्प करने के लिए उनको, तो इंसानियत, इसका क्या हो जाएगा? इंसानियत हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। इंसानियत जो है ये आपका ऑपरेशन चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रोहिंग्या रिफ्यूजी को हेल्प करने के लिए। सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेस विच आर कनेक्टेड टू, सर्वर वैसा कंप्यूटर, सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर है? तो बाइनरी नंबर 0 और 1 से होता है, तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाइनरी नंबर इज मेड अप ऑफ ओनली 0 और 1 से होता है, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। विच ऑफ अलॉय इज मेड अप ऑफ एसेंशियली कॉपर और टिन, कॉपर और टिन जो है ना किसका मिक्सचर है? कॉपर और टिन जो है ब्रॉन्ज का, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा। ब्रास का क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक जो होता है ये आपका ब्रास का होता है, और कॉपर और टिन ये आपका ब्रॉन्ज का होता है, ठीक है। कॉपर और टिन जो है ये आपका ये होता है, देखिए ऐसे याद रखिएगा। टीन वाला में कॉपर तो आपको पता ही है, कॉपर होता है, जिंक और टीन में अगर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो टीन में आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज टीन, और ब्रास हो जाएगा आपका जिंक में, ठीक है, जिंक में आपका ब्रास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, देखिए इनकम्प्लीट कंबसन होगा किसी फ्यूल का, इनकम्प्लीट कंबसन होगा अगर अच्छा तरीके से जल नहीं पा रहा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा, ठीक है, ये आप याद रखें, इनकम्प्लीट कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो सभी लोग जानते होंगे 7 होता है न्यूट्रल का, 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज्यादा होगा तो बेस होता है। विच बेस इज जनरली फाउंड इन सोप, आपका साबुन में कौन सा होता है बेस? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स मिरर, इसमें से किस टाइप के इमेज जो है हमेशा फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, ठीक है, तो ओनली टू वर्चुअल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल हो जाएगा, याद रखिएगा। हमेशा इमेज फॉर्म इन ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूजली फॉर्म बिहाइंड द मिरर और इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 38 देख लेते हैं। There is a circular coil having n turns, then the field produced in how many times larger than the produced by a coil of single turn? ठीक है। There is a circular coil having n turns. Circular coil है और n turns है. Then the field produced is how many times larger than the produced by a coil of single turn? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका n हो जाएगा. ठीक है. n times हो जाएगा. याद रखिएगा n times हो जाएगा. Which of the following is not an example of biomass energy source? Biomass मतलब biological से related है, तो atomic energy तो बिल्कुल नहीं होगा, तो not लिखा है तो atomic energy हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद density of water, देखिए density of water जो होता है decrease when it freezes, density of water decreases when it freezes, which human organ gets majorly affected due to vitamin D deficiency? vitamin D की वजह से क्या होता है? बोन में दिक्कत हो जाता है। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है विटामिन डी की वजह से? विटामिन ए की वजह से है, आई होता है, ये आपका विटामिन ए हो जाएगा। स्किन में क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका देखिए बोन हो जाएगा ये, ठीक है, स्किन आपका विटामिन ई होता है, केयरिंग स्किन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन डैमेजेस, तो विटामिन ई विटामिन डी हो गया आपका बोन के लिए, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। विटामिन डी हेल्प्स टू बोन टू एब्जॉर्ब कैल्शियम विच इज नेसेसरी फॉर बोन,
ये याद रखेगा, हेयर फॉल के लिए विटामिन डी होता है, हेयर फॉल के लिए भी विटामिन डी ही होता है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज हेयर फॉल। ठीक है, तो हेयर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, तो ठीक है यहाँ इसका जो हो जाएगा मेजरली अफेक्टेड लिख दिया है तो बोन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। आप देखिए मैच कराना है, तो मैच कराना है तो आप देखिए मैच में अस्टोमेटा जो होगा ये आपका पत्ती का बात कर रहा है, जो पेड़ का पत्ती होता है ना उससे क्या होता है, उससे ट्रांसपिरेशन होता है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। जाइलम जो होता है ना, जाइलम, जाइलम का क्या हो जाएगा, जाइलम का हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। फिलोम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल जीमेट्स। देखिए फ्यूजन जो होता है ना मेल और फीमेल का, जीमेट्स का, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फ्रॉम विच ए बेबी डेवलप्स, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन होगा इसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनेरा ग्रुप, मोनेरा ग्रुप इसमें से कौन सा है, मोनेरा ग्रुप इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनेरा ग्रुप, तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया जो है ना। द प्लांट एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम, पांच किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, उसमें से एक है आपका मोनेरा ग्रुप, तो मोनेरा ग्रुप बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 45 नंबर में। आई मस्ट बी रिमूव्ड, आईज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन कितना घंटा में, मतलब कोई आदमी अगर डेथ हो गया है, डेथ हो गया है, उसका डेड हो गया है, तो आई डोनेशन अगर करना है उसको तो कितना घंटा में उसको हट जाना चाहिए, तो 4 से 6 घंटा होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आफ्टर डेथ 4 to 6 आवर्स के अंदर अंदर में आपको आंख निकाल अगर डोनेट करना है तो आप दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एजेंट ऑफ इन्फेक्शन, कौन सा एजेंट जो है इन्फेक्शन के लिए होता है, तो आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, वेक्टर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो किरोसिन तो आपका पहले ही बताया फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 48। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इनडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड, तो रिवर गंगा हैज नेम्ड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इनडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड बाई WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, तो रिवर गंगा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर हो जाता है। ठीक है, और बेसेल कन्वेक्शन ई वेस्ट से रिलेटेड है, क्या हो जाएगा, बेसेल कन्वेक्शन, बेसेल कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ई वेस्ट से रिलेटेड है बेसेल कन्वेंशन, ये याद रखिएगा ई वेस्ट। ठीक है, मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व, रामसर कन्वेंशन का क्या मिशन है, वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ही बोला जाता है, ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस स्पेशली वाज वाटरफॉल हैबिटेट इज इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, तो जो रामसर हो ईरान में, नेम्ड आफ्टर रामसर इन ईरान वेयर द कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971 में, याद रखिएगा, और वेटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है इस सीरीज में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में 100-100 क्वेश्चन का कराएं, 150-150 क्वेश्चन कराएं, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे में कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि और चाहिए तो और इसका कंटेंट ला के देंगे आपको। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।